अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगें तो इन्हें लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है हरी मिर्च कीमा। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बनता है। आप इसे आराम से सहरी में भी बना सकते हैं, पराठों के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आपका दिल चाहे इसे एंजॉय कीजिएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग इसे बॉयल राइस के साथ भी खाते हैं, आपका जैसे मन करे वैसे खाइएगा। रेसिपी कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए है, ताकि अभी आप लोग मेरी रेसिपी सही से एंजॉय करें, एक एक स्टेप सही से फॉलो करें, ताकि जब बनाएं तो वो बेहतरीन बने। तो बिस्मिल्लाह के साथ हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स सही से देख लिए होंगे। अब सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होने लग जाएगा, हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाले डाल देंगे। इनका जब अच्छा सा अरोमा आने लगेगा, प्यारी सी खुशबू जो इनकी आपस में आने मिलकर आती है गर्म मसालों की, ये जैसे ही आने लगेगी तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना है, इसको हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है। हल्के हल्के से हम चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच में इसको करेंगे तो ये ब्राउन की तरफ चली जाएगी। और मैंने आपको बताया कि हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। आप ये हरी मिर्चें देख लीजिए, मैंने इनको पानी में भिगो दिया था, इसलिए किया था ताकि इनके बीज नीचे बैठ जाएँ और तेज़ी इनकी थोड़ी सी कम हो जाए। तकरीबन आधे पौन घंटे आप बनाने से पहले इसको भिगो दीजिएगा। अब आप देखिए हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। हमने अब इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डाल के हमने इसका कच्चापन दूर होने तक इसको पकाना है, भूनना है। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कीमा। हाफ के जी कीमा ये, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब कीमे का हमने पानी ड्राई करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो अच्छे से भूनेंगे। जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए आप इसमें कोई मसाले मत डालिएगा, वरना एक अजीब सी हुमक होती है ना कच्चेपन की, वो आएगी, फिर वो टेस्ट मज़े का नहीं लगेगा आपको बनकर। तो इसको देखें मैं ड्राई कर रही हूँ। जैसे ही हमारा ये ड्राई हो जाएगा कीमा, तो हम इसमें जो है स्पाइसेस अपने ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने साबुत धनिया डाला कुटा हुआ, नमक डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्च पाउडर और फिर धनिया पाउडर डाल दिया। अब इन सारे मसालों को डाल के हमने तकरीबन 35 से 40 सेकंड जो है इसको भूनना है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है और इसको हमने इसका कच्चापन दूर होने तक मसालों के भूनना है। जैसे ही हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटर ले लें आप मीडियम साइज़ के, 2 से 3, और उनको बिल्कुल रफली आपने चॉप कर लेना है। तो जैसे ही हमारे मसाले का कच्चापन दूर होता है जो हमने डाले हैं, हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। कच्चापन दूर हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर डाल के आपने तकरीबन इसको, इसके जो टमाटर का अपना पानी जो ड्रेन होता है उस तक इसको पकाना है। अब जैसे ही इसका टमाटर का पानी अपना ड्रेन कर लेगा वो, तो जैसे ही उसका पानी ड्रेन आप देख लें हो चुका है, हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डाल के, और इसको हमने पानी डालने के बाद 35 से 40 मिनट तक पकाना है कवर करके, क्योंकि ये बीफ है, इतना ही टाइम लेता है बीफ गलने में। अगर आप इसको चिकन के कीमे में बनाते हैं तो आप 15 मिनट के लिए कर लीजिएगा। अब हमने इसको कवर कर दिया है, हम 40 मिनट्स बाद ढक्कन उठा के देखेंगे। हमारा कीमा डन है। अब इसमें हमने 1/2 कप दही डाल दिया। अब दही डालकर हमने दही का पानी खुश्क होने तक इसको भूनना है। अच्छे से भूनेंगे, जैसे ही हमारे दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा, तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी अनियंस स्लाइस की हुई, 2 मीडियम साइज़ की अनियंस ली थी मैंने। हरी मिर्चें डाल देंगे, हरी मिर्चें और प्याज डालने के बाद जो है हमने इसको तेज़ आंच पे भूनना है। अगर हम ज़रा सी भी अपनी इसकी आंच स्लो करते हैं तो प्याज जो है अपना पानी छोड़ देगी और फिर वो लुक अच्छा नहीं आएगा। 5 से 7 मिनट तक आपने इसको हाई फ्लेम पे भूनना है, ताकि जो है वो प्याज और हरी मिर्च का अच्छा सा अरोमा आ जाए कीमे के साथ।
और हरी मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट होगी हमारी, क्योंकि उसका लुक बहुत प्यारा सा आएगा जब उसका थोड़ा कलर चेंज होता है कीमे के साथ। अब ये हमारे बिल्कुल भुनाई की तरफ है। जैसे ही हमारा कीमा भुन जाएगा, हमने इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे ही हमारा कीमा भुन गया हमने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दिया। गरम मसाला डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। देख लीजिए जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल आपने इसको ऐसे ही मिक्स करना है। और अब हम इसको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा डन है। चलें इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से देखिए मेरा कीमा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, कितना अच्छा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे सहरी में बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको जब आप इसको खाएंगे। अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देते रहिए, मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, अपना साथ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ से कि अल्लाह मियाँ आप लोगों के दस्तरखानों को, आप लोगों के घरों को शाद रखे, आबाद रखे, आपके अपनों का साया, आपके बड़ों का साया आपके सरों पे सलामत रहे, ताकि वो आपको अच्छी अच्छी दुआएं देते रहें। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।